खबर मुंगेली से आपको बता रहे हैं, जहां मुंगेली का एक परिवार पिछले 2 साल से सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहा है। मुंगेली के घुटाली पारा गांव के इस परिवार का कसूर सिर्फ इतना था कि वो गरीबी के कारण अपने जवान बेटे की मौत के बाद गांव को मृत्यु भोज नहीं करा सका। दरअसल 2 साल पहले गांव के संतन निर्मलकर ने एक सड़क हादसे में अपने जवान बेटे को खो दिया था, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से वो समाज को मृत्यु भोज नहीं करवा सका। ये बात गांव के लोगों को इतनी ज्यादा नागवार गुजरी कि तब से उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया और हुक्का पानी बंद करने का फरमान सुना दिया गया। गांव में ना तो कोई इस परिवार से बातचीत करता है और ना ही गांव के दुकानदार उन्हें जरूरत का सामान देते हैं, जिससे ये परिवार 2 सालों से दाने दाने को मोहताज हो गया है। इस मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को मिलने के बाद जांच की जा रही है ताकि दोषियों पर कार्रवाई की जा सके। पिछले 2 साल से संतन निर्मलकर एवं उनका पूरा परिवार जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों तक न्याय की गुहार लगाकर थक चुके हैं। इसके बाद भी उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला है, जिसके चलते अब संतन निर्मलकर एवं उनका परिवार आत्महत्या करने की मन बना चुके हैं, जिसके लिए जिम्मेदार प्रशासन होंगे। कैमरामैन नईम खान के साथ रोहित कश्यप, स्वराज एक्सप्रेस, मुंगेली। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संस्था रोहित कश्यप ऑनलाइन पे जुड़ गए हैं। स्वराज संस्था रोहित, जैसे कि इस परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया है और 2 साल से ये परिवार परेशान हो रहा है, लेकिन इस परिवार ने किन किन से मदद की गुहार लगाई है? प्रशासन के कौन कौन से नुमाइंदे हैं जहां इसने मदद की दरकार लगाई? प्रारंभिक तौर पर जो लोग आम जो एक लोग होता है जो आसानी से जहाँ पहुंचा जा सके, तहसीलदार हो गया स्थानीय तौर पर, और जो पुलिस संबंधित थाने के जो प्रभारी है उनसे भी ये गुहार लगा चुका है। और हद तो तब हो गई जब ये देखिए कि उनको गांव में अगर कोई सामान दे दे या उनसे कोई बात कर ले, उनसे भी जुर्माना लिया जा रहा है। निश्चित तौर पर जो वर्तमान जो समाज है और वर्तमान मौजूदा जो समाज की जो जिस तरीके से आगे बढ़ने की बात करती है समाज के लोग, समाज के ठेकेदार लोग, और जो इस तरीके की विपरीत जो परिस्थिति आई हुई है, विपरीत तस्वीरें जहाँ हम लोग यहाँ देख रहे हैं, बिल्कुल सोचने पर मजबूर कर देती है। जी, इस संदर्भ में खुद आपने जो प्रशासन के नुमाइंदे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि कम से कम जल्द ही इस परिवार की मदद की जा सके? एडिशनल एसपी मुंगेली जिले के सीडी तिर्की है, उनसे हमने बात की, वहाँ के मौजूदा स्थिति और उस परिवार और जो उनके साथ वाकया हुआ है उसके बारे में बताया, तो उन्होंने कहा है, भरोसा दिलाया है कि जल्द ही पूरे इस मामले की जांच कराई जाएगी और संबंधित थाने में संबंधित जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वैधानिक रूप से कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की? स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि समाज के जो ठेकेदार है, गांव के जो दबंग है, उनके फरमान जारी करने के बाद ना तो कोई हम उनसे बात कर पा रहे हैं, अगर बात करते हैं तो हमसे भी जुर्माना लिया जाता है, ऐसे में कन्नी काट लिया जाता है, कोई बात करना भी पसंद नहीं करते गांव के लोग, और यहां तक कि रोजी रोटी के काम में भी उनको उनके या उनके परिवार की सदस्य को नहीं ले जा सकते। जुड़ गए हैं सीधे तिर्की जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी जी, तिर्की जी, जैसा कि आपके संज्ञान में बात आई होगी क्योंकि एक परिवार आपके पास पहुंचा था गुहार लगाते हुए कि 2 साल से उसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है और इसके पीछे कारण महज इतना ही है कि उसने अपने बेटे का मृत्यु भोज नहीं कराया था, लेकिन अब उसे मदद की दरकार है प्रशासन से और वो आपके पास भी पहुंचे थे। हाँ जी, मेरे पास ये बातें संज्ञान में आई है और मैं उसको विधिवत जांच करवा रहा हूँ, और जांच में अगर किसी ने गलती की है तो बिल्कुल उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। तो क्या कार्रवाई की जाएगी और कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि 2 साल से ये परिवार झेल रहा है इन मुसीबतों को? नहीं, वो जो तथ्य, जो जांच में जो तथ्य आएगी और जो तथ्य आएगी तो उसमें जो तथ्य आती है तथ्य के आधार पे उसमें धाराएं लगती, तो धाराएं लगती। और अब चूंकि जांच का विषय है तो जांच कर रहे हैं, जांच में बातें आएगी सामने तो उसी के आधार पे उसमें कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसे मामलों के लिए कानूनी तौर पर क्या प्रावधान है? कानूनी वही मैंने बताया ना कि कानूनी तौर पे भी उसके लिए प्रावधान है, वो तथ्य जो आएंगे सामने, जो बातें आएंगी तो उसी के आधार में कानूनी कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तिर्की जी, तमाम बातचीत के लिए, और रोहित भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी तरफ पीड़ित खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं।
संतन जी बहुत स्वागत है आपका। हाँ सर जी, 2 साल से सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहे हैं आप, किस किस से आपने मदद की गुहार लगाई? अपना पाठक थे सोनी जी है, इसके मदद से मैं लगाया था जी। एसपी साहब के पास भी आप पहुंचे थे, लेकिन क्या कोई किसी नेता से भी आपने बातचीत करने की कोशिश की, संपर्क करने की कोशिश की? अब नेता से एक वही चुवा दास से मुलाकात किए थे पहले। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि मामला अब, क्योंकि एसपी साहब आपसे पहले हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा है कि हमारे संज्ञान में बात आई है, उसको जल्द ही इस पर हम संज्ञान लेने के बाद में कानूनी दाव पेज को समझते हुए जल्द ही कार्रवाई करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस दंश से मुक्ति जरूर मिले। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।